Assalamualaikum guys, welcome back to our channel. Marsha Kiran, hope you're all having an amazing day. This is winter season and we're back with winter clothing. So let's see winter clothing. Assalamualaikum प्यारी बहनों, क्या हाल है? ठीक ठाक। आज मैं आप लोगों के साथ एक और वीडियो शेयर करने जा रही हूँ जो विंटर ड्रेसेस है और टू डिज़ाइंस है जो मैंने इसमें डबल शर्ट बनाई हुई है। मैं आप लोगों को बताती हूँ कि ये मैंने किस तरह डिज़ाइन की हुई है और किस तरह मैंने इसको बनाया है, आप लोगों को आइडिया मिल जाएगा। चलो इसकी डिटेल देखने चलते हैं। मेरा सबसे पहला ड्रेस जो है वो आज मैंने कोई भी ब्रांडेड सूट नहीं लिया और ब्रांडेड कपड़ा नहीं लिया और मैंने लोकल ही कपड़ा लेके और मुख्तलिफ जो लोकल कपड़े लेके उससे मैंने ये डिज़ाइन बनाया हुआ है और आप लोगों को आइडिया देना चाहती हूँ कि किस तरह हम ये कपड़े लोकल कपड़े भी इस्तेमाल करके डिज़ाइन बना सकते हैं और एक ज़बरदस्त सूट बन सकता है। चलो इसकी डिटेल देखने चलते हैं। इसके ऊपर जो ये डबल शर्ट है वो मैंने मरीना का कपड़ा लेके एम्ब्रॉयडरी कपड़ा लिया हुआ है। आप लोगों को नज़र आ रहा होगा कि इसके ऊपर ये एम्ब्रॉयडरी हुई है, ये इसके ऊपर मैंने डबल शर्ट बनाई हुई है और दरमियान में कट दी हुई है। ये मैंने एम्ब्रॉयडरी लेस ली हुई है जो बहुत चौड़ी है और वी शेप में मैंने काट के फिर ऊपर से नीचे तक मैंने ये कट दी हुई है और पूरी ये लेस लगाई हुई है और इसके फ्रंट पे मैंने दामन पे इसी तरह वही लेस लगाई हुई है और इसके बैक पे भी वही मैंने लेस दामन पे लगाई हुई है। ये देखें और बहुत ही ज़बरदस्त लग रही है क्योंकि मैंने बताया हुआ है कि मैंने लोकल कपड़ा लिया हुआ है और एम्ब्रॉयडरी हुई है इसके ऊपर और इसकी आस्तीन जो है वो मैंने कोई आस्तीन नहीं बनाए, नीचे जो मैंने आस्तीन शर्ट बनाई हुई है उसके आस्तीन लगाए हुए हैं और ये स्लीवलेस है। इसके ऊपर मैंने ये उसी कलर की शर्ट का कपड़ा लेके पीच कलर का लेस लगाई हुई है, ये सुराहों वाली एम्ब्रॉयडर्ड लेस है। ये देखिए ये अलग मैंने कर दिए ताकि आप लोग अच्छी तरह देख सकें कि ये बिल्कुल अलग शर्ट है जो स्लीवलेस है और डबल शर्ट है और इसके ऊपर मैंने वी टाइप का गला बनाया, ये यहाँ तक वी टाइप का गला काट के ये हुक लगाई हुई है जो आप लोग फिर इस तरह बंद कर सकते हैं। अच्छा, इसकी डबल शर्ट जो है वो मरीना का कपड़ा था एम्ब्रॉयडर्ड और इसकी नीचे की शर्ट जो है वो मैंने बिल्कुल सिंपल रखी हुई है, गोल नेक बनाई हुई है और कपड़े मैंने वेलवेट का इस्तेमाल किया है, प्योर वेलवेट है और ये शाइनिंग इसके पूल जो है कुछ इस तरह से पूल है जो आप लोगों को नज़र नहीं आ रहे होंगे और शाइनिंग फूल बने हुए हैं इसके ऊपर। ये प्रिंटेड है, बिल्कुल सिंपल वो नहीं है वेलवेट शर्ट, प्रिंटेड शर्ट है, शाइनिंग हुई है इसमें और बिल्कुल मैंने सिंपल रखी है। इसकी चाक भी बिल्कुल ऊपर से नीचे तक मैंने बंद किए हुए हैं, सिंपल सी दामन चूँकि उसके ऊपर जो डबल शर्ट थी वो एम्ब्रॉयडर्ड थी और लेस लगी हुई थी तो कोई इसके ऊपर लेस या और चीज़ लगाने की ज़रूरत नहीं थी क्योंकि इसके ऊपर डबल शर्ट हम पहनेंगे तो इसलिए ये मैंने बिल्कुल सिंपल ही रखी है और वेलवेट कपड़ा है इसका। बैग भी बिल्कुल मैंने सिंपल ही रखी है। अच्छा, ये पहनते हुए बहुत ही अच्छी लगती है। स्लीव जो है वो भी मैंने बिल्कुल सिंपल ही बनाए हुए, सिर्फ उसके डबल शर्ट के ऊपर जो लेस लगाई हुई है स्लीवलेस वही है, बाकी इसकी आस्तीन वगैरह सब सिंपल रखे। इसके साथ शाल जो मैंने वो वूल शाल रखी हुई है बिल्कुल सिंपल, ये पर्पल कलर में शाल रखी हुई है। अच्छा, इसके साथ मैंने कोई शलवार वगैरह नहीं बनाई, इसके साथ पैंट ही आप लोग पहन सकते हैं, कोई भी पजामा पहन सकते हैं किसी तरह का भी क्योंकि लॉन्ग शर्ट है वो और डबल शर्ट लॉन्ग है तो इसलिए मैंने कोई इसके साथ ट्राउज़र वगैरह नहीं बनाई। ये लड़कियाँ पहनती हैं तो लड़कियाँ पजामा भी पहन सकती हैं, कंफर्टेबल रहते हैं और पैंट भी पहन सकते हैं। का ड्रेस जो है वो भी मैंने डबल शर्ट ही बनाई हुई है और लोकल कपड़ा लिया हुआ है, कोई ब्रांड नहीं है, बिल्कुल लोकल कपड़ा लिया हुआ है और मुख्तलिफ उससे लिया हुआ है। ये जो है इसकी डबल शर्ट जो आप लोग दिख रहे हो, आप लोगों को दिख रहा होगा कि स्किन लाइट ग्रीन पिस्ताशू कलर है ये
और इसके ऊपर ये मैरून कलर की एम्ब्रॉयडरी हुई है, ब्राउन और मैरून कलर की एम्ब्रॉयडरी हुई है। इसके साथ फिर मैंने मैरून कलर की का कपड़ा लेके, मरीना कपड़ा लेके, लोकल मरीना कपड़ा लिया हुआ है। और ये साइडों पे मैंने वो चौड़ा सा उसकी पट्टी बनाई हुई है, मरीना कपड़ा लेके पट्टी बनाई हुई है। और इसके चाक भी मैंने बिल्कुल बंद किए हुए हैं, पहले सूट की तरह, पहले सूट की शर्ट भी मैंने चाक बंद की हुई थी। तो अच्छी, इसके चाक भी बंद किए हुए हैं और इसके दामन भी वही पट्टी लेके, मरीना कपड़े की पट्टी लेके ये डिज़ाइन बनाया हुआ है, जो बहुत ही ज़बरदस्त लग रहा है। और इसकी बैक भी बिल्कुल मैंने वही एम्ब्रॉयडरी कपड़ा लेके और नीचे दामन पे मैंने वो पट्टी सिर्फ लगाई हुई है और एक अलग ही लुक दे रही है। इसके इस डबल शर्ट की भी कोई मैंने स्लीव्स नहीं रखी, इसके आर्म होल्स पे मैंने ये लेस लगाई हुई है मैरून कलर की। अच्छा, ये मैंने बिल्कुल ना वी का शेप दिया हुआ है ना वो दिया हुआ, बिल्कुल सिंपल ही मैंने रखा हुआ है डबल शर्ट में। और ये फासला रखा हुआ है क्योंकि इसके नीचे मैंने मैरून शर्ट बनाई हुई है, तो मैंने ये फासला रखा हुआ है। और हुक वुक कोई नहीं डाला, पहले शर्ट और पहले डबल शर्ट में मैंने हुक डाला था और इसमें कोई हुक नहीं डाला। पहले डबल शर्ट में मैंने फासला नहीं था रखा और इसके दरमियान में मैंने फिर फासला रखा हुआ है। इसकी शर्ट जो है वो मैंने मैरून रखी हुई है, चूँकि मैंने बताया कि कंट्रास्ट कलर में मैंने ली हुई है, तो बिल्कुल सिंपल ही रखी है। थोड़ी सी यहाँ से मैंने कुली रखी है, ए लाइन की शेप में मैंने दी हुई है। फर्स्ट सूट में मैंने बिल्कुल सिंपल शर्ट रखी हुई थी और इसकी शर्ट जो ये ए लाइन शर्ट है, चूँकि मैंने बताया है कि इसके डबल शर्ट में मैंने दरमियान में फासला रखा हुआ है, तो इस वजह से मैंने ये ए लाइन शर्ट बनाई हुई है। और इसके चाक जो है वो बिल्कुल बंद किए हुए हैं और सिंपल से रखे हैं। बाकी इसके आस्तीन जो है वो भी मैंने सिंपल रखे हुए हैं, चूँकि सर्दियों का सूट है तो सिंपल ही मैंने रखा है। इसकी बैग जो है वो भी सिंपल प्लेन ही है, बिल्कुल सिंपल रखी हुई है। ट्राउज़र जो है वो मैंने बिल्कुल सिंपल रखी हुई है, प्लेन उसी मैरून कलर में, और बिल्कुल सिंपल ही पांचे बनाए हुए हैं, सिंपल ही शर्ट ट्राउज़र है। इसकी शाल जो भी मैंने मैरून कलर में रखी हुई है, चूँकि वो पिस्ताशू ऊपर जो डबल शर्ट है वो पिस्ताशू कलर का है, तो मैंने ये मरीना की शाल भी मैरून कलर में ही ली हुई है। Hey guys, we're back again. How did you like the video? Comment down below, subscribe to our channel, like this video and turn the bell icon on so you get notified whenever we post another video. Bye bye!